प्रदेश में रहस्यमयी बुखार नहीं थम रहा है, इसे लेकर के आगरा जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। लगातार स्वास्थ्य महकमा भी इसमें जुटा हुआ है कि कैसे आखिरकार इस रहस्यमयी बुखार से निजात पाई जाए। उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार का प्रकोप बहुत बुरी तरीके से जारी है। मैं बात कर रही हूँ आगरा की, तो आगरा के आसपास के जो देहात के गांव हैं उन गांव में इन बुखार ने घर घर में चार पाइयाँ बिछवा दी हैं और इस बुखार ने जो शिकार बनाया है वो मासूम बच्चों को शिकार बना लिया है। इसी के तहत मद्देनजर रखते हुए आगरा की DM ने देहात में निरीक्षण किया और वहाँ के कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, क्योंकि सैकड़ों की तादाद से जिला अस्पताल में ऐसे में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। वहीं DM साहब ने ये भी कहा है कि जो जिस घर में सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाए, कहीं पानी एकत्रित ना हो पाए ताकि मच्छर न पल पाए, मच्छर पड़ने से डेंगू का खतरा भी बढ़ता है। हालांकि अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि ये वायरल बुखार है या डेंगू है। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़।